बीएस क्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। शमशेर खान की खास खबर पर एक नजर। सोने की तस्करी के लिए लोग नई नई तरकीबें अपनाने से बाज नहीं आते। एयरपोर्ट कस्टम की टीम ने शारजाह से आ रहे दो ऐसे लोगों को हिरासत में ले लिया जो अपने शरीर के भीतर सोना छिपा कर ला रहे थे। इनमें से एक मुंबई जबकि दूसरा तमिलनाडु का रहने वाला है। दोनों के पास से लगभग 25 लाख रुपए मूल्य का 870 ग्राम सोना बरामद किया गया। हालांकि दोनों व्यक्तियों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। एयर अरेबिया का विमान शारजाह से सुबह 4:15 बजे यहां पहुंचता है। परिसर में मौजूद एयर कस्टम की टीम को दो यात्रियों की हरकत पर शक हुआ। दोनों यात्रियों की एक्सरे और स्कैनर से जाँच में शरीर के भीतर कुछ छिपा कर लाए जाने का पता चला। दोनों सोने का पेस्ट बनाने के बाद इसे छिपा कर ला रहे थे। इनमें से एक यात्री का नाम दीवान सैयद इस्माइल है जो तमिलनाडु का रहने वाला है। नियम के अनुसार 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य का सोना बरामद होने की स्थिति में ही आरोपी की कस्टडी ली जाती है।